हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, IUCN रेड लिस्ट में किस पौधे को शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, नील कुरुंजी। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नील कुरुंजी का वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलेंथेस कुथियानस। नील कुरुंजी के फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। यह एक झाड़ी है जो केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के 16 जंगलों में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के अलावा कर्नाटक में बेलारी जिले तथा पूर्वी घाट में सेवराय पहाड़ियों में पाई जाती है। इस झाड़ी का वर्णन प्राचीन तमिल साहित्य में भी मिलता है। इस पौधे का नाम प्रसिद्ध कुंती नदी के नाम पर रखा गया है जो केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर बहती है। बात करें IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का निर्माण प्रकृति को संरक्षित करने के लिए किया गया है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। IUCN का मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। IUCN रेड लिस्ट में उन पौधों और जानवरों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम होती है, जो लुप्त होने के कगार पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद पैसे देने की घोषणा की है। इस योजना से 7वीं से 12वीं कक्षा तक की स्कूली लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। स्कूल की छात्राओं को एक साल के लिए 300 रुपये मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 2016 में मासिक धर्म से जुड़े मिथक और वर्जनाओं से निपटने के लिए उदिता योजना शुरू की थी। बात करते हैं 2024 के कुछ प्रथम कार्य की। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है बिहार। देश का पहला डार्क स्काई पार्क बना है पेच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई है। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं गोपी थोटाकुरा। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश में की गई है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT जम्मू कश्मीर है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक टैक्सी की शुरुआत असम में की गई है। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। राज्यपाल है मंगूबाई सी पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 14 अगस्त को। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी जान गंवाई थी और पाकिस्तान एक नया देश बना था। विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगे हुए थे और संपत्ति की भी हानि हुई थी। अब हम बात करते हैं अगस्त माह में मनाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट दिवस की। विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। दादर एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस 2 अगस्त को। राष्ट्रीय तरबूज दिवस 3 अगस्त को। हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को। नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को। मदर टेरेसा की जयंती 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, TV सोमनाथन। भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तमिलनाडु केडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी TV सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। TV सोमनाथ को अप्रैल 2021 में वित्त सचिव नियुक्त किया गया था। कैबिनेट सचिव सीधे प्रधानमंत्री जी के अधीन होते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करता है और मंत्रिपरिषद को सहायता देता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख सचिव और सलाहकार की। प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं PK मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कौल। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने। राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन।
लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी और विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, रवि गांधी। भारत सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति का आंकलन और निगरानी करेगी। अगला क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद संन्यास की घोषणा की है और हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि पीआर श्रीजेश जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच का पद संभालेंगे। पीआर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाते थे। क्रेग फुल्टन साउथ अफ्रीका के हैं, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच हैं। हॉकी इंडिया ने मई 2024 में हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। भारतीय हॉकी टीम का गठन हुआ था 2008 में। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे हॉकी इंडिया के द्वारा 2023 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान को। शाहरुख खान को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रहे 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 के दौरान दिया गया है। पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित होने वाले शाहरुख खान पहले भारतीय हैं और 2002 में उनकी फिल्म देवदास की स्क्रीनिंग भी हुई थी इस फेस्टिवल में। हाल ही में शाहरुख खान को पेरिस के ग्रेविनी म्यूजियम में कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित किया है। अब हम बात करते हैं 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार की। ऑस्कर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सीलियन फर्मी को मिला है। कांस फिल्म पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला है। कांस फिल्म पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेसी प्लेमंस को मिला है। कांस फिल्म पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं अनुसुईया सेनगुप्ता। ग्रेमी पुरस्कार 2024 एल्बम ऑफ द ईयर मिला है मिडनाइट को। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल को मिला है। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणबीर कपूर। गोल्ड ग्लोबल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को मिला है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।